हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सिंपल इक्वेशंस में हम लोगों ने दो लेक्चर कर लिया है, दो वीडियोज लेक्चर कर लिया और आपने अटेंड कर लिया, और आशा करता हूँ कि आप लोग उसको समझे होंगे। ओके, तो बार बार आशा करते हैं सुन के आपको हंसी आ रही होगी, पता नहीं ये मेरे मुंह से निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल इक्वेशंस में जो हम लोगों ने जो छोटी छोटी बातें थी वो कर लिया है, अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। शायद इक्वेशन को सॉल्व करना सीख भी लिए थे, अब कैसे क्या करना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उस पर आज हम लोग गौर करते हैं। पहले हम लोग जस्ट एक बात करें, जैसे मैं लिखूँ 5 माइनस 3 कितना होगा 2, और मैं लिखूँ यहाँ पे 7 माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा 2, या मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 10 माइनस 2 कितना होगा 8, और 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 10 माइनस 2 8, 5 प्लस 3 8, ये दोनों बैलेंस्ड है। क्या है बैलेंस? बैलेंस का मतलब आप देखे होंगे ना, तराजू, तराजू में इस तरह से अगर आप उठा रहे होंगे, यहाँ पे अगर 1 किलोग्राम का एक कोई बटकारा बटकारा मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक एक किलोग्राम का मान लेते हैं, आपको वो जो होता है ना 1 किलोग्राम का, वो जो लोहे का बना हुआ होता है, इधर आप 1 किलोग्राम चीनी रखें तो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। इधर अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगा तो एक तरफ झुक जाएगा, फिर इधर अगर उसको बैलेंस करना है तो इधर थोड़ा चीनी डाल दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप तराजू देखे होंगे ना, बैलेंस, वो जो तराजू देखे होंगे, इधर एक आपने मान लेते हैं कुछ चीज़ें रखा, इधर कुछ चीज़ें रखा, जब बैलेंस्ड है तो इधर जितना 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 वजन है उतना वजन इधर भी है। अगर आप एक तरफ वजन ज्यादा करेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए, अगर 10 माइनस 2 8, 5 प्लस 3 8, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये सही है। मैं अगर करूँ 10 माइनस 2 प्लस 3, और प्लस 3 तो पहले से ही यहाँ पे है, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्लस 4 और 5 प्लस 3, इधर भी प्लस 4 करूँ, तो आप देखिए 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। दैट मीन्स कि उस दोनों उसको बैलेंस्ड को, जो बैलेंस्ड है, जो भी आपका यहाँ पे है, उसको बैलेंस रखने के लिए हमने क्या किया, इधर अगर 4 जोड़ा तो उधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। इधर अगर हम 6 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 5 14, इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 4 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14, दोनों बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों तरफ, मतलब बैलेंस रखने के लिए, क्या रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, इधर हमने कितना जोड़ा 4, तो उधर भी कितना जोड़ना पड़ेगा 4, सिंपल सी बात। उसी तरह से मैं अगर करूं 10 माइनस 2 माइनस 4, 5 प्लस 3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 4। दैट मीन्स दोनों तरफ सेम नंबर से, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से 10 माइनस 2 इंटू 3, और यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा बताइए, 8 इंटू 3 24, 5 प्लस 3 8 इंटू 3 24, सिंपल सी बात है। तो आप अगर दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें उसको, या ऐड करें, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इक्वेशन में भी सेम बात होती है, तो इक्वेशन को भी हम बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से, या जिस नंबर को हम जिस जो ऑपरेशन कराएंगे, वही ऑपरेशन लेफ्ट में भी करना पड़ेगा और राइट में भी करना पड़ेगा, एलएचएस में भी करना पड़ेगा और आरएचएस में भी करना पड़ेगा। ये सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो आज का हमारा जो कोर बात है, जो करनी है इस क्लास में, वो ये कि एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो जानना भी है साथ साथ में। तो सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सीधे मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे स्टेप बताना है, x-1=0, आपको x का वैल्यू निकालना है कि x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप सिंपल अगर देखें, x का वैल्यू अगर 2 पुट करें, 2-1 1 नहीं होगा, 5 5-1 4 नहीं होगा, x का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1-1 क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स x का वो वैल्यू जिसके लिए वो सेटिस्फाई करे, वो उसका सोल्यूशन है। तो हमको जानना पड़ेगा कि इस x को कैसे सेपरेट करें, क्योंकि x का ही वैल्यू चाहिए। x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 है तो यहाँ पे +1 करेंगे। तो इधर अगर हमने +1 किया LHS में, तो राइट RHS में भी क्या करना पड़ेगा, +1। तो यहाँ पे 1-1 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये कि -1 उस पार जाके क्या हो जाता है, +1।
लेकिन आपको स्टेप का बताना जरूरी है कि इस माइनस वन को हटाएंगे कैसे, प्लस वन करना पड़ेगा, और LHS में अगर प्लस वन किए तो RHS में प्लस वन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बी में x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे जीरो देगा, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस वन प्लस वन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस प्लस वन को कैसे हम अलग, मतलब इस x को अकेले कैसे करें, तो प्लस वन है तो यहाँ माइनस वन करेंगे, तो उधर भी क्या करेंगे माइनस वन, तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि प्लस वन उस पार जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन, दैट इज प्लस उस पार जाके माइनस हो जाता है, माइनस उस पार जाके प्लस हो जाता है, या प्लस इस पार आके माइनस हो जाएगा, या माइनस इस पार आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, क्या क्वेश्चन है x माइनस, ऐसे आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन करना पहले ऐसे है कि माइनस वन हटाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, इधर भी प्लस वन और इधर भी प्लस वन, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू सिक्स, सिंपल सा, माइनस वन उस पार ले जाके भी सिक्स हो जाता, फाइव प्लस वन सिक्स हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन आपको स्टेप को बताना जरूरी है कि ये माइनस वन आप कैसे हटाए। तो माइनस वन को हटाने के लिए क्या करेंगे, LHS में भी प्लस वन करेंगे तो राइट में भी प्लस वन करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस रखना है, क्या रखना है, बैलेंस रखना है। ओके, हाँ, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है डी में, डी में क्या है बताइए, x प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू। आप खुद कर सकें तो अच्छी बात है, मैं सारे क्वेश्चन कर दे रहा हूं, आप अगर कर सकें तो अच्छी बात है। होमवर्क आपका क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज 4.2 करना है, और उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो सबको सॉल्व करना है। ओके, चलिए x प्लस सिक्स टू, तो क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी माइनस सिक्स और उधर भी क्या करेंगे माइनस सिक्स, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फोर। ऐसे भी समझ सकते हैं, बताइए प्लस सिक्स उस पार जाएगा तो माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर, या माइनस फोर प्लस सिक्स बराबर प्लस टू, माइनस फोर प्लस सिक्स क्या होगा माइनस, प्लस घट जाएगा वैल्यू, सिक्स माइनस फोर प्लस टू आएगा। तो आपको ये समझना है x का जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उतारें e में क्या बोला है, y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन। अब बताइए माइनस फोर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस फोर इधर भी और प्लस फोर उधर भी, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू फोर माइनस सेवन माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन आएगा, सिंपल सी बात है, नोट डाउन करें। आपको काउंटर चेक कर लेना है कि उस वैल्यू को अगर पुट करें तो वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे खुद हो पाएगा तो आप म्यूट कर दें, वीडियो को चलते रहने दें, आप खुद बनाएं। y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन, वो हो गया f में y माइनस फोर इक्वल टू प्लस फोर, यहाँ फोर रखने के लिए कितना, आठ माइनस चार चार आएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर माइनस फोर तो प्लस फोर इधर भी करेंगे और प्लस फोर इधर भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा फोर प्लस फोर एट, ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, y प्लस फोर इक्वल टू फोर। चलिए g और h आपका होमवर्क, वैसे सारा होमवर्क है, सबको फ्रेश करके आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट करना है, नोट डाउन करें, फिर सेकंड नंबर में हम लोग चलते हैं। चलिए सेकंड क्या कहता है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपको पूरा सेपरेशन का बताना है किस तरह से आप कर रहे हैं। क्वेश्चन है 3L इज इक्वल टू 42, इसका ख्याल रहे कि L के साथ ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाइड है, 3 और L मल्टीप्लाइड है, तो L से 3 को हटाने के लिए ये L मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अगर लेफ्ट में आपने डिवाइड किया 3 से तो राइट में भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे दिखाने की जरूरत नहीं, तो L बराबर क्या हो जाएगा 3 × 3 और 1 2 3 जो है 14। ओके, नोट डाउन करें, इससे क्या पता चला कि 3 अगर मल्टीप्लाइड है लेफ्ट साइड में तो राइट में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाइड है तो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, तो हमने क्या सीखा कि अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाइड है तो राइट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको स्टेप्स बताना जरूरी है कि कैसे उसको हमने सेपरेट किया। ओके, चलिए
बी, क्या कह रहा है बी में, बी ओवर टू इज इक्वल टू सिक्स, बी ओवर टू इज इक्वल टू सिक्स। अब ये टू डिवाइडेड है तो इसको हम हटाने के लिए टू से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वेल्व। तो आपने क्या देखा, टू अगर डिवाइडेड है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइड अगर है तो राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूल बनते जा रहा है। सी नंबर होमवर्क, डी भी होमवर्क, ई भी होमवर्क, मैं एफ करा दे रहा हूँ। एफ में क्या बोला है बताइए, जेड ओवर थ्री इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर, बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, z ओवर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी, सिंपल सी बात, 3 3 कैंसिल, z इज इक्वल 5 3 15 ओवर 4। आप यहाँ पुट करके भी देख सकते हो, 15 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर लेफ्ट में अगर क्या है, मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में अगर आप चेंज कर रहे हैं उसका प्लेस, इक्वल टू से इस पार उस पार कर रहे हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड इनटू हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में जो छोड़ दिया मैंने वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड में थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसके रिस्पेक्ट में वैसे बहुत इजी है थर्ड में, इसमें भी स्टेप बताना है। 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। अब इसमें कई बातें हैं, पहली बात कि माइनस 2 हटाएंगे तो इधर प्लस 2 करना पड़ेगा, तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2, 2 टू कैंसिल, तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48। अब 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट में भी और राइट में भी, 3 3 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो 16 3 जा 48 माइनस 2 46, इसको आप पुट करके भी देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस टू पर जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाइड उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको स्टेप्स बताना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। करें नोट डाउन, चलिए 3 का ए हो गया, बी आप खुद करें, मैं डी कर दे रहा हूं, 3p ओवर 10 इज इक्वल टू 6। आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 10 10 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 10 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20, 20 यहाँ पुट करें तो 10 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये चेक कर लेना सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीधे सॉल्व करना है, ये नहीं बोला है कि आपको स्टेप्स बताना है, ठीक है, उतारें इसको पहले। चलिए 4 में जस्ट सॉल्व करना है, 10p इज इक्वल टू 100। अब 10 क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 का a, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 10 10 इंटू 10 100, सिंपल दिख रहा है। b में क्या बोला है बताइए, 10p प्लस 10 बराबर 100, तो क्या होगा, प्लस 10 उस पर जाएगा तो माइनस 10, 100 माइनस 10, तो 10p बराबर 90, तो p बराबर 90 ओवर 10, तो p इज इक्वल टू 9, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप करते जाएं, मैं बना दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। चलिए बी हो गया, मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। डी कर दे रहा हूँ, माइनस पी ओवर 3 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 15। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस 1, माइनस 1 इंटू पी, माइनस पी, तो पी इज इक्वल टू 15 ओवर माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 और 1 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस 15 ही होगा, ठीक है। तो आप यूँ समझ सकते हैं, माइनस उस पर जाएगा फिर माइनस उसमें लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक।
इस तरह से क्वेश्चंस को आप करें। ई में क्या बोला है, ई में कहा है 3p/4 = 6, तो क्या हो जाएगा, p = 6, 4 नीचे डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 6 तो p क्या हो जाएगा, 8। 8 पुट करके देख लें, 8 + 24 = 4, 4 × 6 = 24, पुट करके देख लीजिएगा तो आप काउंटर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, आपके लिए होमवर्क है, ओके। तो ये एक्सरसाइज 4.2 में कुछ और रहा नहीं, आप खुद करने की कोशिश करें। मैं 4.3 कर दे रहा हूँ, 4.3 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम बचा हुआ है और जो बच गए आपके लिए होमवर्क है। फिर मैं बता रहा हूँ होमवर्क आपका क्या क्या हो गया, 4.2 पूरा करना है और पीछे के एग्जाम्पल्स। मैं 4.3 कर रहा हूँ क्योंकि 4.2 में और कोई जान नहीं थी। फर्स्ट का ए सॉल्व करना है, 2y + 5/2 = 37/2, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा हादी घोड़ा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2y = 37/2 + 5/2 पर जाएगा तो क्या होगा, -5/2, तो 2y = 2 LCM 37 - 5, तो 2y = 37 - 5 = 32/2, ये क्या हो जाएगा, 16y = 16/2, तो y = 8। आप आराम से करें, सिंपल सी बात मैंने किया, +5/2 उस पर जाके -5/2, इसको सॉल्व किया 16 आया, y से 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 उस पर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आराम से उतारें, फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं कर दे रहा हूँ। सेकेंड ईजी है, थर्ड कर दे रहा हूँ, फिर फोर्थ आप खुद कर लीजिएगा। फर्स्ट का ए हो गया, सी कर दे रहा हूँ। सी क्या है, a/5 + 3 = 2, तो क्या हो जाएगा, a/5 + 3 उस पर जाएगा तो -3, तो a = 2 - 3 - 1, 5 डिवाइडेड है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a = -5, -5/5 क्या हो जाएगा, -1 + 3 = 2 आएगा, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। डी उसी तरह का क्वेश्चन है, ई भी आप कर सकते हैं, एफ भी कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जे में पता नहीं, प्लस माइनस जो भी आप देख लीजिएगा, आपकी किताब मेरे में प्रिंट नहीं हुआ है, नोट डाउन करें। चलिए जो बच गए वो आपके लिए होमवर्क है। सेकंड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, 2 × x + 4 = 12। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 × x + 2 × 4 = 8 होगा, तो 2x = 4 × 8 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, तो 2x = 4, 2 मल्टीप्लाइड है उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x = 2। या क्या कर सकते हैं आप, x + 4 = ये 2 मल्टीप्लाइड है उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x + 4 = 6 + 4 उस पर जाएगा तो क्या होगा, -4, तो x क्या हो जाएगा, 2। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको आप चूज़ कर लें और उतार लें, दोनों उतार सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए उसके बाद सेकंड वैसे ही है, थर्ड भी वैसे ही है, फोर्थ डी और ई करते रहे। डी में बोला है -4 × 2 + x + 8, तो क्या हो जाएगा, -4 × 2 = -8 + -4 × x = 8, तो क्या हो जाएगा, -4 × 8 + 8, तो क्या हो जाएगा, -4 × 16, तो x = 16/-4 + -4। सिंपल सी बात है। या क्या कर सकते हैं बताइए, 2 + x = 8/-4, 2 + x = -2,
तो x बराबर माइनस टू प्लस टू उस पर जाएगा तो माइनस टू या प्लस टू है, तो x बराबर क्या होगा माइनस फोर। जो आपको अच्छा लगे उसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ई में क्या क्वेश्चन है, फोर इंटू टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एट, क्या करेंगे फोर टू जो एट माइनस फोर एक्स बराबर आठ। एक और तरीका है, जैसे एट प्लस एट इस पार आएगा तो क्या होगा माइनस एट, माइनस फोर एक्स उस पार जाएगा तो क्या होगा प्लस फोर एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं। एट माइनस एट जीरो बराबर फोर एक्स, तो जीरो बटे फोर बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या होगा जीरो। तो आप इस पार उस पार कर सकते हैं, किसी एक तरफ आपको क्या करना है, x को अकेले में करना है या y को अकेले में, जिसका वैल्यू आपको निकालना है सॉल्यूशन में, जिसका वैल्यू निकालना है उसको आपको अकेले करना है, या तो लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको और बात समझ आएगी, बता रहे इसको। चलिए थर्ड नंबर में अब क्या किया है, आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया है कि ऐसा ना हो कि आप ये समझें लेफ्ट में ही सिर्फ p और q का वैल्यू निकलता है, 5 इंटू पी माइनस टू, तो आप राइट में भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 इज इक्वल टू 5 पी माइनस फाइव टू ज़ा 10, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस 10 इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस 10 बराबर 5p, 10 प्लस 4 क्या होगा 14, 5p 5 मल्टीप्लाइड है तो 14 ओवर 5 इज इक्वल टू p, या p इज इक्वल टू 14 ओवर 5, इसको आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं डेसिमल में, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, b बना लीजिएगा, मैं c कर दे रहा हूँ, c और e नोट डाउन करें। जो जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है, वैसे आपको सारा का सारा अच्छे से बना के जमा करना है। ई बना दे रहा हूँ, ई में क्या बोला, 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू एम माइनस सिक्स, प्लस 16 इस पार आएगा तो यहाँ प्लस ये वाला देखना है, इस पार आएगा तो माइनस 16, 0 माइनस 16 बराबर 4m माइनस 6 चौक 24, तो माइनस 16 माइनस 24 इस पार आएगा तो प्लस 24 बराबर 4m, 24 में 24 कितना हो जाएगा 8, ठीक है बराबर 4m, ये 8 मल्टीप्लाई m 4 मल्टीप्लाइड है m के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 टू ज़ा 8। सिंपल है, शायद आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या ग्रुप में बता दें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, उसके बाद हम लोग सीधे लैंग्वेज प्रॉब्लम में जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और जो क्वेश्चन बच गए वो आपके लिए होमवर्क है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दो एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया आज। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बोला है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद एक्स इक्वल टू 2। आपको यहाँ से लेकर शुरू करना है और आपको 3 इक्वेशंस बनाना है। कितने इक्वेशंस बनाना है, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इधर हमने क्या जोड़ा 3, तो राइट में भी कितना जोड़ना पड़ेगा 3, दैट इज एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एक इक्वेशन बन गया, सिंपल सी बात है। दूसरा घटा के कर लेते हैं, इधर भी 3 हमने घटाया तो उधर भी 3 घटाएंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1। तीसरा मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, इधर भी हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो उधर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3x इज इक्वल टू 6, ये भी एक इक्वेशन बन गया। इस तरह से आप इक्वेशंस बना सकते हैं, इक्वेशन बनाने का तरीका आई थिंक आपको बात समझ आ गई कि किस तरह से इक्वेशंस बनता है। तो 4 का भी आपके लिए होमवर्क है, ए में मैंने बता दिया कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है ना, इतना ही आज के लिए। तो एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट हम लोग 4.4 पे बात करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इक्वेशन को
इक्वेशंस का प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।